जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य बाबा को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। आइए अब उससे आगे सुनते हैं। घर पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा। गांव के हिंदू घरों में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कहने सुनने की प्रथा है। श्रद्धालु लोग प्रत्येक पूर्णिमा को यह कथा सुना करते हैं और इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। यदि परिवार के सब लोग व्रत नहीं रख सकते तो परिवार का कोई एक व्यक्ति सभी के प्रतिनिधि के रूप में विधिवत व्रत रखता है। पंडित श्री महिपाल जी मिश्र के घर पर भी पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा हुआ करती थी। अनेक बार परिवार के प्रतिनिधि के रूप में किशोर चक्रधर को पूर्णिमा का व्रत रखना पड़ता था। सारे दिन उपवास तो करना ही पड़ता था, पर यदि जल बिना काम नहीं चलता तो दिन में एक बार जल लिया जा सकता है। चक्रधर मध्याह्न काल में एक बार शक्कर का शरबत ले लिया करता था। संध्या के समय कथा होती थी, भगवान श्री शालिग्राम जी का सविधि पूजन होता था। नैवेद्य के रूप में पंचामृत फल आदि श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाता था। भगवान श्री सीताराम जी की आरती होती थी। उपवास करने के कारण चक्रधर को ही अर्चना करने के लिए आगे बैठना पड़ता था। उस समय श्री शालिग्राम शिला चक्रधर के लिए शिला नहीं रह जाती थी। उस समय श्री शालिग्राम शिला में उसे भगवान श्री सीताराम जी की स्फूर्ति होने लगती थी। आरती करते समय मन दिव्य भावों से आपूरित रहता था। पूजा के बाद चक्रधर के उपवास का विसर्जन होता था। पूर्णिमा का व्रत तथा भगवान का अर्चन उसके हृदय को सात्विक भावों से भर दिया करता था। बचपन में चक्रधर बहुत रूठा करता था। जिद्दी पने के कारण यदि मन की चाह के अनुसार कोई काम नहीं होता था तो चट से रूठ जाया करता था। यदि मन में कोई बात ठान ली है तो वह होनी ही चाहिए। जो ठान लिया वह ठान लिया। जब चक्रधर लगभग 12 वर्ष का था तब अपने घर पर किसी बात पर रूठ गया। मनाने के अनेक प्रयत्न हुए पर विफल हुए। रोष में भोजन भी नहीं किया। माँ ने मनाया पर चक्रधर न माना। परिवार के और पड़ोस के लोगों ने बड़ी मनुहार की पर सफलता नहीं मिली। रूठने के कारण घर का वातावरण बड़ा क्लेशपूर्ण हो गया। यह नहीं कहा जा सकता कि किसकी कौन सी बात कब दिल को छू जाती है और दिल दिमाग पर असर कर जाती है। चक्रधर के भाई श्री देवदत्त जी ने अपने कमरे से निकलते हुए, उनके चेहरे पर बड़ी गंभीरता थी, वे कमरे से बाहर आकर बड़ी गंभीरता पूर्वक चक्रधर से कहने लगे, चक्रधर क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? चक्रधर ने कहा, कहिए, क्यों नहीं मानूंगा? बड़े भाई ने कहा, तुम रूठने की आदत छोड़ दो। इस आदत को छोड़ देने से जीवन में तुम्हारा अशेष मंगल होगा। न जाने उन्होंने यह बात हृदय की किस गहराई से कही कि चक्रधर के हृदय में उनकी बात लग गई। तुरंत चक्रधर ने उत्तर दिया, आज से मैं रूठना छोड़ देता हूँ। बचपन की इस घटना को अनेक बाबा सुनाकर कहा करते थे। बचपन की इस घटना को अनेक बार सुनाकर बाबा कहा करते थे, रूठने से कोई लाभ नहीं होता, इससे तो अपने जीवन में और अपने आत्मीय जनों में अपार अशांति उत्पन्न हो जाती है। मेरे बड़े भाई ने जो कहा उस कथन का प्रभाव आज तक मेरे ऊपर है। रूठना तभी होता है जब मन के अनुसार कार्य नहीं होता। यहीं पर आस्तिकता की पहचान होती है। उद्वेग रहित चिंता रहित ही सच्ची आस्तिकता की कसौटी है। सच्चे आस्तिक में न तो उद्वेग होता है और न कभी चिंता रहती है।
सच्चे आस्तिक का सहज विश्वास होता है कि मंगलमय प्रभु मेरे लिए वही कर रहे हैं जिसमें मेरा हित है। हेडमास्टर साहब का वात्सल्य। जिस विद्यालय में चक्रधर पढ़ता था उसके हेडमास्टर साहब का नाम था आदरणीय श्री बलदेव प्रसाद जी। हेडमास्टर साहब के जीवन में कर्तव्य निष्ठा और कार्य तत्परता कूट कूट करके भरी हुई थी। उनका अनुशासन बड़ा कड़ा था। एक बार चक्रधर को किसी एक बाल सुलभ चपलता एवं चंचलता के कारण 5 बेंत की सजा भुगतनी पड़ी, पर वह सजा भी हेडमास्टर साहब ने किस प्रकार दी। माँ की ममता भरे हृदय से, मुख पर कठोरता तथा वाणी में शासन लिए हुए उन्होंने बेंत मंगवाई और चक्रधर से कहा, हाथ फैलाओ। चक्रधर ने अपनी हथेली फैला दी। बहुत हल्का स्पर्श कराते हुए हेडमास्टर साहब ने हथेली पर धीरे धीरे 5 बेंत मारी और इसके बाद धमकाते हुए कहा, आगे से ऐसी धृष्टता करोगे तो विद्यालय से नाम काट दिया जाएगा। वे ही हेडमास्टर साहब एक बार छात्रावास के द्वार पर खड़े थे। वे क्यों खड़े थे पता नहीं। उसी समय चक्रधर उनके पास आया। उन्होंने चक्रधर से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। चक्रधर ने तुरंत हाँ कहा और उनके साथ चल दिया। वे रूप कला संकीर्तन मंडल में गए। वहाँ साप्ताहिक संकीर्तन हुआ करता था। इनके पहुँचने पर जिसने कीर्तन कराया वह बहुत जमा नहीं। हेडमास्टर साहब ने चक्रधर से पूछा, क्या तुम हरिनाम संकीर्तन करवा सकते हो। चक्रधर ने विनम्र शब्दों में कहा, थोड़ा बहुत तो करा ही सकता हूँ। चक्रधर से अनुकूल उत्तर पाकर हेडमास्टर साहब ने सबके समक्ष कहा, अब मेरे विद्यालय का एक छात्र कीर्तन कराएगा। कीर्तन कराने के लिए चक्रधर सामने आया और उसने सभी उपस्थित लोगों से निवेदन किया, मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे आपको बोलना चाहिए। मैं जितना जितना कहूँ उतना उतना ही आपको बोलना चाहिए। जो लोग स्वर में स्वर नहीं मिला सकें उनसे प्रार्थना है कि वे मन ही मन भगवान के नाम का कीर्तन करें। ऐसे लोग यदि मौन रहकर मन ही मन कीर्तन करेंगे तो कीर्तन अधिक सुंदर और प्रभाव उत्पादक होगा। इतना कहकर चक्रधर ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम कीर्तन करवाना आरंभ किया। लगभग 20-25 मिनट कीर्तन करवाया होगा, एक विचित्र समा बंद गया। चक्रधर ने देखा कि हेडमास्टर साहब के कपोलों पर अश्रु की धारा बह रही है। हेडमास्टर साहब का यह भक्त स्वरूप देखकर चक्रधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहाँ तो विद्यालय के वातावरण में वाणी की कठोरता और कहाँ संकीर्तन के इस प्रवाह में हृदय की कोमलता। संकीर्तन के बाद हेडमास्टर साहब ने चक्रधर से पूछा, चक्रधर क्या तुम प्रतिदिन या प्रति सप्ताह थोड़ी देर के लिए आ सकते हो। चक्रधर ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर तो प्रति सप्ताह रूप कला संकीर्तन मंडल में हेडमास्टर साहब के साथ चक्रधर जाने लगा। इतना ही नहीं, चक्रधर के प्रति हेडमास्टर साहब का वात्सल्य बहुत बढ़ गया। एक बार की बात है, विद्यार्थियों की जिला स्तरीय संगीत प्रतियोगिता में चक्रधर ने भाग लिया। उस संगीत प्रतियोगिता में जिला भर के स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेने आए थे। चक्रधर का कंठ बड़ा सुरीला और बड़ा सुमधुर होने से उसे अपने स्कूल की ओर से हेडमास्टर साहब ने चुन लिया था। चक्रधर से बिना पूछे ही हेडमास्टर साहब ने प्रतियोगिता में नाम भेज दिया। जब चक्रधर संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचा, तो गाने वाले विद्यार्थियों के गायन स्तर और वादन कौशल को देखकर वह चकित हो गया। जो विद्यार्थी अन्य स्कूलों से आए थे उनमें कई बड़े अच्छे गायक थे तथा कई शास्त्रीय संगीत में भी बड़े प्रवीण थे।
उनकी अलापचारी तथा स्वर संधान को देखकर चक्रधर को ऐसा लगने लगा कि इस संगीत प्रतियोगिता में सफलता पाना टेढ़ी खीर है। चक्रधर को राग रागनी की जानकारी नहीं थी। सफलता की संभावना बहुत कम होने के बाद भी चक्रधर की प्रयत्नशीलता में तनिक भी न्यूनता नहीं आई। चक्रधर इस तथ्य का पता लगाने में संलग्न हो गया कि उसका नाम गायकों की नामावली में किस स्थान पर रखा गया है। चक्रधर उन अध्यापक महोदय से मिला जिन पर प्रतियोगिता के संयोजन का उत्तरदायित्व था। पूछने पर पता चला कि नामावली में तीसरा नाम उसी का है। चक्रधर को ऐसा लगा कि यह तो ठीक नहीं, और नामावली में तीसरे क्रमांक पर नाम रहने से तो सफलता कभी मिल ही नहीं सकती। चक्रधर ने उन संयोजक अध्यापक जी से कहा, मेरा नाम आरंभ में क्यों रखा, आधे के बाद रखिए। इसके लिए वे संयोजक अध्यापक जी तैयार नहीं हुए। चक्रधर ने पुनः प्रार्थना की, इस पर भी वे नहीं माने। तब चक्रधर कुछ उत्तेजित स्वर में कहने लगा, आप अपने विद्यार्थियों के साथ पक्षपात करते हैं, मैं अभी जाकर प्रधानाध्यापक जी से यह बात कहूँगा। एक बार तो उन्होंने आवेशपूर्ण स्वर में कह ही दिया, जाओ कह दो। चक्रधर जब वस्तुतः प्रधान अध्यापक जी के पास जाने लगा तो उन संयोजक अध्यापक जी ने चक्रधर को बुलाया और पूछा, तुम अपना नाम कहाँ रखना चाहते हो। चक्रधर को ऐसा लगा कि ये एकदम ढीले पड़ गए हैं। चक्रधर ने उनसे कहा, मेरा नाम आधे कार्यक्रम के बाद रखें। उन्होंने वैसा ही किया। जब संगीत प्रतियोगिता आरंभ हुई तो विभिन्न विद्यालयों के छात्र मंच पर आकर श्रोताओं के समक्ष अपने गायन वादन का कौशल प्रस्तुत करने लगे। उनके कौशल की सराहना जब श्रोतागण करते तो वायुमंडल गूंज उठता। राग रागिनी का लालित्य वहाँ के वातावरण पर छाया हुआ था। राग रागिनी के माधुर्य में जब एक एक श्रोता पगा हुआ था तभी अपना कौशल प्रस्तुत करने के लिए चक्रधर को मंच पर बुलाया गया। चक्रधर मंच पर आया। गाने से पहले उसने एक छोटा सा देशभक्तिपूर्ण भाषण देते हुए कहा, आज अपना देश परतंत्र है, पराधीनता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। आज अपने देश के भाई बहनों को खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र और चिकित्सा के लिए औषधि भी भली प्रकार से नहीं मिल पाती। अपने देश में जहाँ ऐसी दरिद्रता और रुग्णता का नग्न नृत्य हो रहा है, वहाँ यह राग और रंग, यह सितार और झंकार क्या शोभा देता है। देश और समाज की विषम परिस्थिति में इस गीत उल्लास का, इस वाद्य वादन का, इस राग रागिनी का, इस मनोरंजन का औचित्य कहाँ तक सिद्ध किया जा सकता है। एक और सिसकते कलपते माँ बहनों की अजस्त्र अश्रुधारा और दूसरी ओर हम लोगों का यह आमोद प्रमोद, मैं नहीं जानता कि मेरी इन भावनाओं का समादर आपके द्वारा होगा या नहीं। मेरा हृदय व्यथित है। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि मेरे गायन के समय न हारमोनियम, न तबला, न तानपुरा, न वायलन, यह सब कुछ नहीं बजेगा। मैं तो केवल अपनी मातृभूमि की वंदना ही भेंट रूप में प्रस्तुत करूँगा। यह वक्तव्य बड़ा ही भावपूर्ण था, प्रभावपूर्ण था। इस प्रभावशाली वक्तव्य से सारे वातावरण का रंग बदल गया। एक घोर निस्तब्धता छा गई। उस नितांत नीरव वातावरण में चक्रधर ने गाया, वंदे मातरम, जो आजकल अपने देश का राष्ट्र गीत है, एकदम समा बंध गया। गीत में जब आया, के बोले माँ तुम अबले, उस समय इतनी ताली बजी कि सारा पंडाल गूंज उठा। अब तक किसी के गायन पर इतनी ताली नहीं बजी थी। चक्रधर का कंठ तो मधुर था ही, हाथों की भावपूर्ण चेष्टाओं से वह गायन और भी प्रभाव उत्पादक बन गया। सारा वातावरण गीत के प्रभाव से भावित हो रहा था। मातृ वंदना की पंक्तियों ने सब श्रोताओं को आकृष्ट कर लिया था। गीत के समाप्त होते ही प्रतियोगिता सभा के सभापति ने अपनी कुर्सी से उठकर तुरंत
विशेष पारितोषिक प्रदान किए जाने की घोषणा कर दी। घोषणा के होते ही एक बार फिर सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद सहपाठियों ने चक्रधर को अत्यधिक साधुवाद दिया ही। स्कूल के हेडमास्टर साहब का भी बहुत अधिक प्यार उमड़ा। चक्रधर जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था उस समय की बात है। सरकारी शिक्षा विभाग की ओर से गया जिले के छात्रों की योग्यता की परीक्षा होने वाली थी। इस परीक्षा में जो सर्वप्रथम होगा उसका सरकार की ओर से प्रति मास 5 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। उसको सरकार की ओर से प्रति मास 5 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। उस समय का 5 रुपया आज के 100 गुना रुपये से अधिक समझना चाहिए। छात्रवृत्ति के साथ साथ सरकारी स्कूल के छात्रावास में रहने की सुविधा मिलेगी तथा शिक्षा शुल्क से विमुक्ति रहेगी। इस योग्यता परीक्षा में चक्रधर ने भी बैठने का विचार किया। उसने अपनी माँ से 5 रुपये मांगा। माँ से रुपया लेकर वह परीक्षा देने के लिए गया शहर को गया। इस योग्यता परीक्षा में भाग लेने के लिए सारे गया जिले से लगभग 5,000 छात्र आए थे। चक्रधर बड़ा सशंक था कि इस भीड़ भाड़ में कोई मेरा रुपया ना चुरा ले। सावधानी रखने की दृष्टि से बालक चक्रधर ने 5 रुपये की नोट का नंबर एक कागज पर नोट कर लिया तथा उस नंबर को याद भी कर लिया। बहुत सावधानी रखने के बाद भी जिस बात की आशंका चक्रधर को थी वही घटित हो गई। किसी ने उसका रुपया चुरा लिया। चक्रधर ने मन ही मन तय किया कि उस चोर छात्र का पता लगाकर गायब हुए नोट को प्राप्त करना चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के इस योग्यता परीक्षा के सुपरिटेंडेंट थे। चक्रधर परीक्षा सुपरिटेंडेंट महोदय के पास गया, सारी बात सुना दी। 5 रुपये की चोरी हो जाने का पूरा व्रत सुनाकर सुपरिटेंडेंट महोदय ने कहा, इस विषय में भला मैं क्या कर सकता हूँ। परीक्षा देने के लिए सारे जिले से लगभग 5,000 छात्र आए हैं। इनमें से किसको चोर ठहराया जा सकता है। इस बारे में कोई कार्यवाही किया जा सकना संभव नहीं है। सुपरिटेंडेंट महोदय के उत्तर से चक्रधर को बड़ी निराशा हुई। उसने तो ऐसा सोचा था कि सुपरिटेंडेंट महोदय के सक्रिय होने से मेरा काम बन जाएगा, पर सुपरिटेंडेंट महोदय के द्वार से खाली हाथ लौटना पड़ा। चक्रधर इस पर भी अपने प्रयास से विरत नहीं हुआ। जिस धर्मशाला में चक्रधर ठहरा था वहाँ बहुत से छात्र थे। उनकी संभाल तथा व्यवस्था का उत्तरदायित्व एक अध्यापक महोदय को सौंपा गया था। उन अध्यापक महोदय का नाम शायद श्री दामोदर प्रसाद जी था। चक्रधर उनके पास गया। उसने अध्यापक महोदय से नोट की चोरी होने की बात बताकर यह अनुरोध किया, इस धर्मशाला में जितने छात्र हैं उनको आप एक पंक्ति में खड़ा कर दीजिए। पंक्ति में खड़े हुए छात्र आपकी उपस्थिति में एक एक करके मेरे सामने आए और कुछ क्षण के लिए खड़े रहें। मैं बता दूंगा कि किसने मेरा नोट लिया है। मेरी नोट का नंबर यह है। इस नंबर का नोट अगर किसी के पास हो तो आप उससे मुझे दिलवा दें। अध्यापक महोदय ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, यह कार्य तो इसी समय करवाया जा सकता है। अध्यापक महोदय के आदेश पर सभी छात्र एक पंक्ति में खड़े हो गए। जैसा चक्रधर ने कहा था, बारी बारी से एक एक छात्र चक्रधर के सामने आता। जैसा चक्रधर ने कहा था, कई छात्रों के बाद एक छोटा सा छात्र आया। वह चक्रधर के सामने कुछ क्षण खड़ा रहा। वह छात्र चक्रधर के लिए सर्वथा अपरिचित था। चक्रधर ने उसके खड़े होने के कुछ क्षण बाद अध्यापक महोदय से कहा, इसी ने मेरा नोट चुराया है। अध्यापक महोदय उस छात्र को एक किनारे ले जाकर पूछने लगे तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने रुपया नहीं लिया है। तब अध्यापक महोदय उस छात्र को पुनपुन नदी के तट पर ले गए और उससे कहा, देखो उसने अपने नोट का नंबर बता रखा है, मैं तुम्हारी तलाशी लूँगा। यदि
वह नोट तुम्हारे पास मिल गया तो मैं तुमको इतनी मार मारूंगा कि तुम्हारी पीठ से रक्त बह निकलेगा। मेरे हाथ में यह बेंत देख रहे हो ना, इसी बेंत से तुम्हें पीटूंगा। यदि तुम अपने आप दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मार के भय से वह कांप उठा और अपने पास से नोट निकालकर उसने दे दिया। उस नोट का नंबर वही था जो बतलाया गया था। इस घटना से अध्यापक महोदय पर तथा अन्य छात्रों पर बालक चक्रधर का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन सभी के मध्य यह बात चल पड़ी कि चक्रधर कोई सिद्धि जानता है, तभी तो इसने चोर को एकदम सही पकड़ लिया। अध्यापक महोदय चक्रधर से कौतूहल वशात पूछ बैठे, क्या तुम कोई सिद्धि जानते हो? चक्रधर अध्यापक महोदय को बताने लगा, मैं भगवान शंकर की उपासना किया करता हूँ। मेरे हृदयस्थ भगवान शंकर का जो विग्रह है, उनसे मैंने कातर प्रार्थना की कि आप मुझे सही सही उत्तर दीजिएगा। मेरे सामने ज्यों ही एक छात्र खड़ा होगा, मैं आपसे उस छात्र के बारे में पूछूंगा। यदि उसने नहीं लिया हो तो आप गर्दन हिलाकर ना कर दीजिएगा। यदि उसने लिया हो तो तद अनुसार संकेत कर दीजिएगा। ज्यों ही मेरे सामने छात्र आकर खड़ा होता तो पहले मैं अपने हृदय के भगवान शंकर का ध्यान करता, फिर उस समक्ष स्थित छात्र के हृदय में भगवान शंकर का ध्यान करता, तद उपरांत मैं पूछता अपने हृदयस्थ भगवान शंकर जी से। मेरे हृदय में विराजित भगवान शंकर ज्यों ही ना का संकेत करते, मैं यही कह देता कि इसने नहीं लिया। इस प्रकार लगभग 25 छात्रों को मैंने निर्दोष बता दिया। ज्यों ही वह छोटा सा छात्र आया, भगवान शंकर की ओर से हाँ का संकेत मिलते ही मैंने कह दिया कि इसने चोरी की है। सच्ची बात यह है कि मैं कोई सिद्धि नहीं जानता। मैंने भगवान शंकर से ईमानदारी पूर्वक सच्चे मन से प्रार्थना की थी कि जो सही बात हो वही सामने आनी चाहिए। प्रार्थना की सच्चाई के कारण ही हृदयस्थ श्री विग्रह से यही सही उत्तर मिला। यह मेरी कोई सिद्धि नहीं, मात्र सच्ची और गहरी प्रार्थना का एक परिणाम था। अध्यापक श्री दामोदर प्रसाद जी ने चक्रधर को बड़ा प्यार और आदर दिया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। अब हरी एक परोसो तेरो, अब हरी एक परोसो तेरो, नहीं कछु भजन ज्ञान भजन।
अब हरि Hare